गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है आकांक्षा उपाध्याय और मैं 2015 डीएसपी हूँ। एमपीपीएससी के थ्रू मुझे ये पोस्ट मिली है और ये है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पे मैं आपको जीके जो है एमपी का उससे जुड़ी हुई चीज़ें बताने के लिए हूँ। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ फॉर मेंस एंड प्री दोनों के लिए। तो प्लीज़ अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड कीजिए ताकि आपको ऐसे ऑसम वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहें, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं इंट्रो आपको पहले ही दे चुकी हूँ। मैं आकांक्षा हूँ और मैं यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनके बारे में बता रही हूँ। ये आपको दोनों पर्पस के लिए यूजफुल होगा, चाहे आप प्री पढ़ें या आप मेंस पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इंडस्ट्री के हिसाब से पिछड़ा प्रदेश माना जाता है। बहुत सारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे नहीं है, पर अभी रीसेंट ईयर्स में काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंदौर में हमारा एक इन्वेस्टमेंट समिट भी होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे निवेश करने के लिए। तो अभी काफ़ी मतलब अच्छे चीज़ें आ रही हैं एमपी में और काफ़ी एमपी जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कारखानों की संख्या जो है वो 5.24 पर लाख है, और अगर हम इसको इंडिया के जो औसत है उससे कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। इंडिया में ये 14 कंपनीज पर लाख के बराबर है, तो ये काफ़ी कम है 5.24 लाख। पर कोई बात नहीं, हम कम आगे बढ़ रहे हैं और अभी कुछ रीसेंट ईयर्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सारे कारखाने जो हैं वो लगने वाले हैं। तो आई होप कि आगे चल के ये बहुत अच्छा होगा। तो बात करते हैं उद्योगों की। बहुत सारे उद्योग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी पढ़ाया है एमपी के जीके के लिए। तो यहाँ पे मेनली कृषि पे आधारित उद्योगों की बात हम की जाए। मैंने आपको बोला है कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो उसको बहुत तरीके से लिखिए, मतलब आप उसमें पॉइंट्स बनाइए, हेडिंग्स दीजिए, सब हेडिंग्स दीजिए, उस चीज़ को बायफगेट कीजिए। तो हर चीज़ आपको उसमें डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, कृषि आधारित उद्योग है, ऊर्जा आधारित उद्योग है, यहाँ पे लकड़ी आधारित उद्योग है, यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग है। तो बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। तो कृषि आधारित उद्योग जो है उसमें चीनी उद्योग जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। 1934 में जावरा जो है रतलाम की एक तहसील है, तो जावरा में 1934 में पहला चीनी उद्योग लगाया गया था। ये थोड़ा सा एमपीपीएससी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कभी कभी पूछ लेते हैं। इनको बहुत पसंद है सन और डेट से खेलना, तो कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आप याद रख सकते हैं 1934 जावरा में पहला चीनी कारखाना लगाया गया था। वर्तमान में जो चीनी मिल की संख्या है वो लगभग 15 है। ये हमारा एमपी है, एमपी में आप देख सकते हैं इंदौर है इसके पास पे, यहाँ कहीं आसपास उज्जैन, और यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो है ये रतलाम है। तो रतलाम के पास जावरा में रतलाम की तहसील है, यहाँ पे पहला चीनी कारखाना लगा, पहला चीनी का जो कारखाना था वो लगाया गया था। फिर सबसे बड़े चीनी के कारखाने की बात आती है तो ये बारलोई सीहोर में है ना, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ये एमपीपीएससी मेंस में आप लिख सकते हो, इनके हिसाब को आता है 15 मार्क्स में कि औद्योगिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी सारे उद्योगों के बारे में, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन लिखना होगा कि चूंकि अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पर हम इससे निराश भी नहीं हो सकते कि स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम एक आशावादी रुख अपना सकते हैं कि भविष्य में जो स्थिति है वो थोड़ा अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप एक बड़ा अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। तो हमने देखा रतलाम में पहला कारखाना था, फिर यहाँ पे आप इंदौर के पास में देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं सीहोर है, सीहोर में जो है वो सबसे बड़ा कारखाना है बारलोई में, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं अभी कौन कौन से हैं। तो डबरा शुगर मिल है ग्वालियर में, मंदसौर में भी शुगर मिल है, रतलाम में भी शुगर मिल है, और अभी टोटल कितना है, अभी टोटल 15 शुगर मिल्स जो है वो एमपी में काम कर रही है। फिर बात करते हैं वनस्पति घी की। वनस्पति घी के 6 कारखाने एमपी में है। मेन रीज़न इसका मालवा है, मालवा का पठार में ये सबसे ज़्यादा है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि मालवा का जो पठार है वहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है, और सोयाबीन जो होता है वो वनस्पति घी का रॉ मटेरियल होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा कारखाने हैं। फिर गंज बासौदा की बात की जाए तो एक कारखाना गंज बासौदा में भी है, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर, मुरैना, इन सब में भी वनस्पति घी बनाने के कारखाने हैं। तो बात आ गई दोस्तों क्वेश्चन की। अब मैं आकांक्षा हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन तो दूंगी है ना। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि वनस्पति घी बनाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये आपके लिए, और कौन ये प्रोसेस का नाम क्या है ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताइए। फिर सूती वस्त्र उद्योग है ना, तो हमने देखा कि हम अभी क्या पढ़ रहे थे, कृषि आधारित उद्योग, उसमें हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, चीनी,
चीनी उद्योग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं सूती कपड़े के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो जो पहली मिल है वो हमारी बुरहानपुर में है, वर्तमान में 513 मिल काम कर रही है, इंदौर में है, उज्जैन में है, ग्वालियर में है। कृत्रिम रेशा कपड़ा उद्योग जो है वो नागदा में है, देवास में है। तो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, सूती कपड़ा उद्योग है तो जहाँ पे कपास होगा वहाँ पे ये मिल पाई जाएंगी। तो ऑब्वियसली मालवा के पठार के जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कपास की जो उपज है वो वहीं पे ज़्यादा होती है। तो पहली मिल जो थी वो बुरहानपुर में 1906 में लगाई गई थी, ये या आप याद कर सकते हैं फॉर MPBSC प्री। और वर्तमान में कितनी मिल है, 513 मिल है, और इनका जो मुख्य केंद्र है इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर है। तो कृत्रिम रेशा कपड़ा उद्योग जो है वो नागदा में है, नागदा उज्जैन के पास एक जगह है, और फिर देवास में भी कृत्रिम रेशा कपड़ा के कारखाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उज्जैन है, इंदौर के पास में ये पिंक उज्जैन है, और यहाँ पर नागदा है, नागदा में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना है। तो दोस्तों मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैप से पढ़ने से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको हर चीज़ की सिचुएशन याद हो जाएगी, लोकेशन याद हो जाएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप गैस भी कर सकते हैं, एक स्मार्ट गैस कर सकते हैं एक्चुअली। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खंडवा में भी है, ग्वालियर में है, मुरैना में है, तो ये सारे कारखाने यहाँ पे थे। फिर जीवाणु खाद संयंत्र जो है वो भोपाल में है, कीटनाशक संयंत्र जो है वो बीना में लगाया गया है, ऑयल मिल जो है वो मुरैना में लगाई गई है। और थोड़ा सा आप याद रखिए कि जो ये ऑयल मिल है इसका जो संबंध है वो आपकी मथुरा की रिफाइनरी से है, तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अक्सर ये पूछा जाता है कि MP की कौन सी रिफाइनरी या कौन सी ऑयल मिल है जिसका संबंध मथुरा रिफाइनरी से, तो दैट इज़ मुरैना। मुरैना की जो मिल है वो मथुरा से रिलेटेड, आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, मुरैना UP के पास में है तो वो वहाँ से कनेक्टेड है। फिर दानेदार मिश्रित खाद जो है वो होशंगाबाद में बनाई जाती है। खनिज पर आधारित उद्योग जो है उसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया है ना, कृषि आधारित उद्योग वाला। अब हम बात करते हैं खनिजों पर आधारित उद्योग, तो चीनी मिट्टी का उद्योग जो है वो ग्वालियर में है, जबलपुर में है, कटनी और रतलाम में है ना। इसके क्या क्या किया जाता है एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ था, जो मैंने एग्जाम दिया था ना, दो तरीके से क्वेश्चन आए थे उद्योगों के बारे में। एक्चुअली कोई उद्योग में आपसे, जैसे लाइक चीनी मिट्टी का उद्योग है, हो सकता है वो आपसे ये ना पूछे कि औद्योगिक स्थिति बताइए, वो आपसे पर्टिकुलर किसी उद्योग के बारे में ही पूछ ले। तो वो पूछ सकते हैं कि चीनी मिट्टी के उद्योग कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, इसके बारे में लिखिए। तो आपको बताना होगा कि ये ग्वालियर में है, जबलपुर में है। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है और इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो फायर क्ले से ईंटें बनाई जाती हैं, दैट इज़ नॉट करले, ये मैंने क्ले लिखा था, ये ऑटो करेक्ट हो गया है, करले हो गया, तो इट इज़ नॉट करले, इट इज़ क्ले, फायर क्ले मिट्टी है ना। से ईंट बनाई जाती है, पाइप्स बनाए जाते हैं, तो ये पाइप्स था, ये भी ऑटो करेक्ट होकर पाइप्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, रतलाम, कटनी, ग्वालियर, जबलपुर में। फिर बात आती है भारी विद्युत उपकरण की, तो ये भोपाल में बनाए जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, सीमेंट उद्योग है। फिर 1922 में ACC सीमेंट जो है उसकी पहली फैक्ट्री लगी थी है ना, तो ये भी आप देख सकते हैं, पहली सीमेंट फैक्ट्री जो है वो 1922-23 में लगी थी और ACC कंपनी ने ये लगवाई थी। प्रमुख केंद्र जो इसके हैं वो बानमौर है, कैमौर है, सतना है, मैहर है, नीमच है, और चूने का पत्थर जो है वो इसका रॉ मटेरियल होता है। तो आपको याद रखना है सीमेंट का जो पत्थर है, सॉरी सीमेंट का जो उद्योग है उसका जो रॉ मटेरियल है वो चूने का पत्थर है। तो जिस भी बेल्ट में है ना ये चूने का पत्थर जो है वो पाया जाएगा, वहाँ पे सीमेंट का उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सतना हो गया, मैहर, नीमच, कैमूर, दमोह में भी काफ़ी सीमेंट के फैक्ट्रीज वगैरह हैं, डायमंड सीमेंट जो था वो पहले था, अभी मायसम सीमेंट है। तो ये जो पूरा बेल्ट है दमोह से लेके पूरा सतना, कटनी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग है वो भी बहुतायत से पाया जाता है। तो ये हमने बात की उद्योगों के बारे में, खनिज पर आधारित उद्योगों के बारे में बात हुई, यहाँ पे हमने बात की कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में। और थोड़ा सा आप भी इस तरीके का एक मैप बना लीजिए तो और एक आइडिया हो जाएगा, लाइक मुरैना की बात होती है तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मुरैना है, मथुरा से रिलेटेड रिफाइनरी मुरैना में है। यहाँ पे आप बात करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे दमोह है तो ये यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ पे कटनी है। थोड़ा सा क्या होगा ना कि आप इस मैप से भी जब वर्क करेंगे ना तो थोड़ा उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लाइक आपको क्या होगा कि जब आप इसमें देखेंगे ना कि ये पूरा एक बेल्ट है, ये सी यहाँ पे आप देखेंगे दमोह आ गया है ना यहाँ पे, फिर आप देखेंगे कटनी है, सतना है, ये पूरा एक एक बेल्ट होगा, तो ये पूरा चूने के पत्थर का बेल्ट है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा,
सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा होगी। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे शहडोल, सुहागपुर, अनूपपुर, ये जो एरिया है नर्मदा के साइड वाला, यहाँ पे कोयला ज़्यादा पाया जाता है ना। तो ऐसे करके जब आप मैप से पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी आसानी होगी एक एरिया लोकेट करने में और चीज़ें आप बहुत ईजीली याद कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप मैप बना के पढ़ें, एक रफ मैप बनाने की आदत डालें, और जब आप एग्ज़ाम देंगे तभी भी अगर आप इस टाइप का मैप अगर डालते हैं, उसमें लिखते हैं, बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एक आपकी पॉजिटिविटी और आपके कॉन्फिडेंस को ये चीज़ें शो करती हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग इट, और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर मीन्स।